हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। समझती हो राजा ननियाल से भरत को बुलवा लेंगे, ये तुम्हारा भ्रम है। अभी भी वो तुम्हारे शव के वहां बैठे। अपने किसी गुप्त दूत को भेजकर भरत को बुलवा लेते हैं। ठीक है, बुलवा लेते हैं। पर मंथरा, अभी इसका समय नहीं आया है, क्योंकि सुमंत्र उन तीनों को वन में छोड़कर अभी तक वापस नहीं लौटा है। न जाने क्या षड्यंत्र है, उसे लौट आने दे। मन को थोड़ा संतोष हो जाएगा कि राम सचमुच 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गया, फिर हमें किसी बात की आशंका नहीं रहेगी। समझी? तुम ठीक कह रही हो। नमस्कार। प्रणाम महाराज, कुशल मंगल तो है? कैसी कुशल रे, जमुना तक जाए कि राम जी हमका वापस लौटा दिए। बस ही समझो कि तनाए गवाह है, मन तो उनके साथ है चला गवाह है। मंत्री जी आपे की बात जो रहे हैं। का कहियो, सुमंत्री जी अभी गए नहीं? नहीं, वो सामने रथ खड़ा है, वो है। चलो आइए। नाथ विदा करी आयो निषाद, तो मंत्री को राह निहारत पायो। रोवत सो सुध खोवत सो, अस मंजस बीच पड़ो बोरायो। राम लखन अरु सिया बिनारथ, अवध की ओर न जात चलायो। न जात चलायो, न जात चलायो। प्रणाम मंत्री जी, प्रणाम। प्रणाम मंत्री जी, अभी तक आप अयोध्या नहीं गए। निषाद राज, मैं रोज प्रयत्न करता हूं, रोज रथ में घोड़े बांधता हूं, न मेरे पांव ही अयोध्या की ओर बढ़ते हैं, न घोड़े ही बढ़ते। खाली रथ ले जाकर अयोध्या निवासी को मुंह दिखाऊं, मुझ में इतना साहस नहीं। निषाद राज, इतना बताओ कि तुम श्री राम को कहां छोड़ आए? सरकार, हम उनका छोड़ के कहां आएंगे? वह हमका छोड़ के
चित्रकूट की ओर चले गए। बस मैं भी चित्रकूट जाऊंगा। नहीं सुमंत्री जी नहीं, आपको राम जी की आज्ञा याद नहीं कहा? इस अवज्ञा का मुझे जितना भी दंड मिले, पर मैं 14 वर्ष बाद इसी रथ में उन्हें बिठाकर एक ही साथ अयोध्या लौटूंगा। नहीं सुमंत्री जी, ई उचित ना होई। ई बखत राम जी की आज्ञा पालना ही आपका धर्म है, अन्यथा राजा परजा और राम जी के आप दोषी ठहरेंगे। मोर बिनती मानो, आप अयोध्या लौट जाओ। नहीं। हाँ महाराज, हम पे कृपा करो और अयोध्या चले जाओ आप। नहीं। हाँ चलिए महाराज, आपको आपको राम जी की सौगंध है, अयोध्या लौट चलो महाराज, नहीं तो राम जी बहुत दुखी होंगे। और महाराज दशरथ का तो ध्यान कीजिए, उनको आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है अभी। हाँ छोटे मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ, मुझे क्षमा करना, किंतु आपको अयोध्या जाना होगा महाराज, हमारा सौगंध। चलिए महाराज चलिए। सुनने को मिलेगी कि नहीं, मुझे तो लोरी सुने बिना नींद ही नहीं आती। वाह मैं तुझे लोरी सुनाऊंगा। क्या हुआ महाराज? कौशल्य, राम सुमंत्र के साथ आ गया क्या? रो मत कौशल्य, वो आ रहा है, आ रहा है मेरा राम, वो आ रहा है मेरा राम, मेरा राम रथ में बैठकर आ रहा है। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर नैन रथ भी बन फिरे राम सिया दिन रे। विधना तेरे लेख किसी की समझ ना आते जन जन के प्रिय
सिय बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ नाते वापस जाने को मन करता है। भैया राम की भी बहुत याद आती है। नाना जी आ गए। प्रणाम नाना जी। आयुष्मान कल्याण। नमस्कार मामा। सदा सुखी रहो। चिरंजीव तुम्हारे मामा युधाजी कह रहे हैं तुम उदास रहते हो, इतनी जल्दी चितुचाट हो गया ननिहाल से, माता की याद आ रही है। वैसे तो अपने सभी याद आते हैं। क्यों, हम तुम्हारे अपने नहीं हैं क्या? नहीं मामा जी, आपके प्यार में तो हम अयोध्या को भूल जाते हैं, परंतु मैं बताऊं नाना जी, भरत भैया को इन दिनों सबसे अधिक याद आ रही है बड़े भैया राम की। अवश्य ही राम ने भी तुम्हें याद किया होगा। आत्म तरंग दोनों ओर से हृदय के तारों को झंकृत करती है। वैसे तो भैया राम ने कहा था जल्दी संदेशा भेजकर बुलवा लेंगे, न जाने क्यों आजकल उनकी छवि मन से हटती नहीं। रात को विचित्र विचित्र अपशकुन होते हैं, भयानक सपने आते हैं। कभी देखता हूं एक कुरूपासी स्त्री उनके राजसी वस्त्र खींच खींच कर उतार रही है, तो कभी देखता हूं वो दीन अवस्था में खड़े मुझे पुकार रहे हैं।
पूरा महल खंडर नजर आता है, सारा नगर उजाड़ दिखाई देता है, चारों ओर एक भीषण हाहाकार चीत्कार सुनाई देती है। नहीं नहीं, अवश्य अयोध्या में कोई अनहोनी हो रही है, अन्यथा अन्यथा मेरा मन ऐसा अशांत कभी नहीं होता। सीते, थक गई क्या? नहीं, प्यास लगी है। भैया, उधर बस्ती दिखाई दे रही है, कुआं या बावड़ी अवश्य होगी, उधर चलते हैं। ठीक है। सुनो भाई, यहाँ पीने के जल की व्यवस्था हो सकती है? क्यों नहीं, पास ही हमारा गांव है, चलिए हमारे साथ। चले भैया। चलो। अरे पानी न बनाए होते भगवान तो जाने क्या से क्या हो जाता। जान पड़त है, बहुत दूर से आए हैं और यहाँ पहली बार दिखाई दिए। कौनो परदेसी मालूम पड़त है? हाँ, सन्यासी का बाना तो अवश्य पहने हैं, मुरा दिखते हैं कहीं के राजकुमार। तुम क्या आजकल पच्चू बोलत रहो, ये बिहड़ रास्ता में नंगे पाँव साथ में किसी सुकुमार स्त्री को लेके कौनो राजकुमार काहे को आई? हाँ, अरे तू नहीं जानती है, विधि का विधान है, विपता प्रतियत बड़े बड़े राजकुमार भी कंगाल हो जाते हैं। अब रहे देवो, अपन ज्ञान न बघारो, बेचारन के मन दुखी हुई गाँव आई गई वा। चलो हम लोग ये लोगों का पानी पिला दी। हाँ पानी तो पिला ही देंगे, मुदा तू मुंह बंद रख। बेचारे बटोई प्यासी है। हाँ हाँ, काहे नहीं, आओ बे। रास्ता चल के आई हो, बैठो तनी आराम करो। आओ भाई। ए बत्तसिया, का है दीदी? जरा चना चबेना और सत्तू ले आ। अभी लाई दीदी, भूखे होएंगे। आओ लक्ष्मण। आओ। पानी दे। रमते बनवासी है, ये तो हम ना ही मानत, बन में कोई अपनी खुशी से थोड़े ही आवे है, हम तो अपनी इच्छा से ही आए हैं। झूठ का है बोलो हो। अच्छा ये बताओ, ये दोनों कौन है? जिनके हाथ में धनुष है वो मेरे देवर हैं,
अर्जुन के कंधे पे धनुष है। हाँ, तुम्हारे भरतार हैं, है ना? अरे अच्छा, नाव का है उनका? किनका? अरे नाम मत ले यो अपने भरतार का। अच्छा अपना ही बता दो। अच्छा अपने देवर का तो बता ही दियो। मेरा नाम सीता है और मेरे देवर जी का लक्ष्मण। लक्ष्मण? सीता? तो तुम राम हो? राम लक्ष्मण सीता हमार गांव में हैं? तो तुम ही राम लखन और सीता हो जिन्हें राजा ने वन में भेज दिया? सीता राम, हाय रे दैया, कैसे कठोर है इनके माता पिता जो फूल जैसे बहू और बेटे को वन में भेज दिया। नहीं बहन, हम स्वयं अपनी इच्छा से ही वन में आए हैं। कौन स्वयं वन में नहीं आता, ये सब होने के खेल है कुमार जी। आप जैसे वन में कष्ट भोगेंगे तो फिर ब्रह्मा ने राजपाट किसके लिए बनाए हैं? आपके नंगे पांव देख के तो रुलाई आती है, आप तो हमारे राजा हैं। बिटिया, हमसे कोई भूल हो तो क्षमा कर देना, तुम तो हमार रानी हो। आज्ञा हो तो पथ में आपके चरणों के नीचे अपने हाथ रखते हुए साथ साथ चले। नहीं भाई, हमारे लिए शोक न करो, हमें कोई कष्ट नहीं है, अब हमें आज्ञा दो। आगे आप वन में कहाँ जाएंगे प्रभु, इसी गांव में रह जाइए। नहीं भाई, हमें चित्रकूट पहुंचना है। भरद्वाज मुनि ने कहा था वह स्थान ही उत्तम होगा, आप हमें वहां का रास्ता बताने की कृपा करेंगे? हिमा, कृपा की क्या बात है प्रभु, हम तो आपके साथ ही आपकी सेवा के लिए चलेंगे। वहां वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, उनसे आज्ञा लेके हम आपके लिए वही कुटिया बनाए देंगे। हमार तो प्रभु आ गए, हमार तो धन्यवाद हो गए। राम, आज तुम्हारे आने से वाल्मीकि की कुटिया पवित्र हो गई, तुम्हारे दिव्य तेज से सारा आश्रम प्रकाशमान हो रहा है। प्रभु अपने सेवक को बढ़ाई दे रहे हैं, यह आपका विशेष अनुग्रह है, अन्यथा इन श्री चरणों तक पहुंचना ही मेरा सौभाग्य है। जिनकी शरण में आने से ही मनुष्य अपनी आत्मा में निहित भगवान का स्पर्श अनुभव करने लगता है। और जानते हो राम, मैं इस समय क्या अनुभव कर रहा हूँ, जैसे भक्त और भगवान का मिलन हो रहा हो, जैसे भगवान स्वयं चलकर भक्त के पास आ गए हों। महात्मन, आप तो कवि हैं और कवि अपनी कल्पना में स्वयं ही अपनी भावनात्मक सृष्टि की रचना कर सकता है। कवि में इतनी शक्ति होती है कि वो भावना के बल से एक पत्थर को सजीव बना दे, फिर एक साधारण मनुष्य की भगवान के रूप में कल्पना कर लेना उसके लिए कौन सा कठिन कार्य है। ये कल्पना नहीं राम, जिस मनुष्य की ये स्थिति हो जाती है कि वो अपने अंदर स्थित भगवत स्वरूप के दर्शन कर सके, वो स्वयं भगवान ही हो जाता है। इस गूढ़ रहस्य को वही जान सकता है जिसे तुम जनवा दो। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही तुमई होई जाई। और जो तुम्हें जान ले वो तुम्ही में समा जाता है। हे महामुनि, आप प्रेम और भक्ति की परासीमा हैं, जिन्हें कण कण में केवल अपने भगवान ही दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आप मुझ जैसे एक साधारण मानव को भी भगवान की संज्ञा दे रहे हैं। राम, आज तक जो चरित्र, जो अद्भुत कार्य तुमने किए हैं, ताड़का वध से लेकर धनुष भंग और परशुराम के गर्भ मर्दन तक, उससे मन में यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि तुम इस लोक से परे कोई दैवी शक्ति, कोई अवतारी पुरुष हो, जो इस धरती पर धर्मात्माओं की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुआ है। तुम ही मेरे काव्य के नायक हो राम। मैं वास्तव में कौन हूं, मैं किस कारण से जन्मा हूं, ये मैं कैसे जानूं? ये तो आप जैसा त्रिकालदर्शी ही जान सकता है। मैं तो केवल अपने आप को एक मानव समझता हूं जो दशरथ का पुत्र है और जिसका नाम राम है, और इस समय मैं अपने पिता की आज्ञा से अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष वन में रहने के लिए आया हूं। मैं किसी ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहता जहां मेरे रहने से किसी तपस्वी या साधक की साधना में विघ्न पड़े। आप विचार करके
मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं रहकर अपने वनवास के दिन व्यतीत कर सकूं। तुम मुझसे अपने रहने का स्थान पूछ रहे हो? पहले मुझे ये बताओ कि वो कौन सा स्थान है जहां तुम नहीं हो। प्रभु, इन गूढ़ बातों में मुझे न उलझाएं। सेवक को इस चित्रकूट में एक छोटा सा स्थान प्रदान करने की अनुमति दें, जहां हम रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बना लें। वैसे तुम्हारी कुटिया तो हर भक्त के हृदय में है, फिर भी सांसारिक रूप से पूछ रहे हो तो ऋषि और मुनियों से सेवित इस चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे अपना स्थान बना लो। पुण्य सलिला मंदाकिनी वास्तव में गंगा की ही एक धारा है, जिसे महर्षि अत्रि की तेजस्विनी पत्नी सती अनसुईया अपने तपोबल से नील पर्वत पर लेकर आई हैं। यहाँ के वनों में रहने वाले कोल किरात बड़े स्नेही और भक्त हैं। वो अपने राजा की तरह तुम्हारा आदर करेंगे और कुटिया के निर्माण में तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आज्ञा। पता पता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं, महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं, महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं। पता पता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं। राज महल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन, राज महल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन, राज महल के त्याग सभी सुख, सिंहासन कर्मनिष्ठ हो अपना अपना धर्म निभाते हैं, महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं। पता पता तिनका सजाकर, राम सिया की सेवा कर सब पुण्य कमाते हैं, राम सिया की सेवा कर सब पुण्य कमाते हैं। सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थ
गृह प्रवेशंभूतं द्वारशाखादिष्टात् देवतानां पूजनमहं करिष्ये दक्षिणशाखायां गंगायै नमः स्वाहा वामशाखायां यमुनायै नमः स्वाहा ऊर्ध्वद्वारिष्यै नमः स्वाहा मध्ये देहल्यां वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा दक्षिणे शङ्खनिधये नमः स्वाहा वामे पद्मनिधये नमः स्वाहा द्वारश्चतुष्कोणे आग्नेयाने उद्योतकर्मणे गणपते नमः स्वाहा। हे सूर्यवंशी रोमणी, वास्तु यज्ञ आहुति पूर्ण हो गई। आज रविवार रोहिणी नक्षत्र वास्तु शांति के लिए सबसे शुभ दिन है। देवी सीता और लक्ष्मण के साथ गौरी गणेश और महेश को स्मरण करके आप पर्ण कुटीर में प्रवेश कीजिए। आप गुरुजन की मंगल कामना और आशीर्वाद। हे वन के देवताओं, हे वृक्षलताओं, हे पवित्र मंदाकिनी, वन के दृश्य एवं अदृश्य जीवधारियों, दशरथ पुत्र राम अपनी भार्या और अपने भाई के साथ इस पर्णकुटी में प्रवेश करता है। आप सब अपनी कृपा सदा बनाए रखना। मेरी जन्मभूमि की पावन माटी, आज तेरी चरण रज से मेरी यह पर्णकुटी पवित्र हो गई। आज से यही मेरी अयोध्या है, यही मेरा कौशल देश है। मां, मैं जहां भी रहूं, मेरे हृदय में सदा तेरा वास रहे। तेरा ये शीश सदा तेरे चरणों में झुका रहे। न बुझाए